एक मई से मित्रों पांच राशियों की किस्मत चमकने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी राशि पर परिवर्तन हुआ है। इसका लाभ आप लोग एक मई के बाद देखना शुरू कर देंगे। बारह राशियों में से ये पांच राशियां बहुत ही खुश नसीबी राशियां हैं। इसमें मित्रों आपकी भी राशि जान कर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही खुश नसीबी राशियां हैं ये पांच, जिनके ऊपर शनि भगवान प्रसन्न हुए हैं। और शनि भगवान कर्मों के फलदाता होते हैं, इस बात को आप लोग मानो। कर्मों का फल शनि भगवान देते हैं। आपके चाहे जो राशि हो, आपके राशि के मालिक चाहे जो हो, लेकिन आप जो कर्म करते हैं उसका जो फल देते हैं वो शनि भगवान देते हैं। बहुत सारे लोग शनि भगवान को निगेटिव मानते हैं, बहुत सारे लोग शनि भगवान की पूजा भी करते हैं। क्योंकि मित्रों असली खेल जो आपके जीवन का शुरू करते हैं वो शनि भगवान करते हैं, क्योंकि कर्मों के फलदाता शनि भगवान माने गए हैं और सूर्य पुत्र शनि भगवान माने जाते हैं। आप जब भी शनि भगवान की पूजा करते हैं तो आप लोगों को बहुत भयंकर लाभ मिलता है। इसलिए बहुत कम लोग ही शनि भगवान को पूजते हैं, सबको पता ही नहीं होता है। लेकिन मित्रों पांच राशियां ये बहुत ही खुश नसीबी राशियां हैं, उनके बारे में हम बात करने आए हैं। और ये पांच राशियां आज रात से ही करोड़पति बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक मई के बाद इनके जीवन में बहुत भयंकर लाभ होने वाला है। ग्रहों की स्थिति बदली है इन पांच राशियों की, और ग्रहों की स्थिति जब बदलती है तो इनकी राशि उच्च की हो जाती है। इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। जैसा कि आपको पता होता है कि ग्रह नक्षत्र से ही आपका जीवन चलता है, और ग्रह नक्षत्र अगर अच्छे हो गए तो आपका जीवन बदल जाता है। क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जिस काम में हाथ लगा देते हैं वो काम बनता हुआ नजर आ जाता है। आपने थोड़ी मेहनत कर दिया वो काम आपको ज्यादा लाभ दे देता है जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अच्छी होती है। और कभी कभी आप लोगों ने यह भी देखा होगा जब ग्रहों की स्थिति गड़बड़ होती है तो आप जिस काम को छू लेते हैं वो काम आपका बिगड़ जाता है। आपने उस कार्य में सिर्फ हाथ डाला ही था और आपको लाखों का नुकसान हो गया। ऐसा भी होता है, ग्रह नक्षत्रों की जब स्थिति अच्छी नहीं होती है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट रहता है, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान होता है। जिस काम को आप सोचोगे बनाने के लिए मेहनत भी करोगे लेकिन वह काम आपका बिगड़ता चला जाता है। ये होता है ग्रह नक्षत्रों का खेल। और ऐसे में पांच राशियों के ऊपर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अच्छी हुई है और पांच राशियों के ऊपर शनि भगवान प्रसन्न हुए हैं, और इन पांच राशियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है एक मई के बाद। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से सुन लोगे, ध्यान से बातों को समझ लोगी तो आपके जीवन में 100% आपको बदलाव देखने को मिलेगा एक मई के बाद। क्योंकि आपके राशि पर कोई आम परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ग्रहों की स्थिति बदली है, और जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो आपके जीवन में भी बदलाव होता है। लेकिन मित्रों दो देवता का आपके राशि पर प्रभाव रहेगा, एक तो ग्रहों की स्थिति बदली है, उसके ऊपर दोस्तों शनि भगवान आपके राशि पर प्रसन्न हुए। बारह राशियों में से ये पांच राशियां बहुत ही खुश नसीबी राशियां, बारह राशियों में से पांच राशियां ही करोड़पति बनने वाली हैं एक तरह से अगर कहें, क्योंकि एक मई के बाद इनके जीवन में बहुत ही अच्छा खासा लाभ होने वाला है। इनके बिगड़े काम बनने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इनका अगर कोई कार्य पेंडिंग में पड़ा था, इन पांच राशियों में से अगर कोई कार्य इन लोगों का पेंडिंग में पड़ा था, बिजनेस व्यापार ठप पड़ा था, पढ़ाई लिखाई करके बैठे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उन लोगों के लिए सोने पर सुहागा है। क्योंकि मित्रों कर्मों के फलदाता शनि भगवान होते हैं, अब कर्मों का फल आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोगों ने अगर कई पिछले तीन सालों से कोई मेहनत किया था, आपका कोई काम अटका हुआ था, कई सालों से आपको कोई सपना था घर लेने का, गाड़ी वाहन लेने का, तो मई के महीने में पूरा हो सकता है। ये कोई छोटा परिवर्तन नहीं हुआ है इन पांच राशि वाले जातकों के ऊपर।
बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसमें लाभ भी इनको 100% होगा। शनि भगवान कोई छोटे मोटे देवता आपके राशि पर नहीं प्रसन्न हुए हैं, कर्मों के फलदाता, कर्मों के विधाता स्वयं शनि भगवान जब आपके राशि पर ही प्रसन्न हो चुके हैं तो बहुत भयंकर लाभ देखने को मिलेगा कुंभ राशि वालों। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। सबसे पहले हमारी जो राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा 1 मई के बाद, क्योंकि 1 मई के बाद कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं इनका अगर कोई कार्य पेंडिंग पड़ा था, कोई सपना अधूरा रहा था, पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुंभ राशि वाले जातक मेहनत तो बहुत करते हैं, इनके अंदर काम करने की क्षमता भी अधिक होती है, ये कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, भीड़ में ये अलग बनना चाहते थे, तो अब जाकर इनका सपना पूरा होगा। और मित्रों हमारी जो दूसरी राशि है जो कि बहुत ही खुश नसीबी राशि है, जिनके ऊपर शनि भगवान की कृपा हुई है और ग्रहों ने परिवर्तन किया है, वो है मकर राशि। अब जितने भी मकर राशि वाले जातक थे जो अभी भी मेहनत कर रहे थे लेकिन मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा, तो राशि के परिवर्तन के अनुसार मकर राशि वाले जातक भी अब जाकर अच्छा खासा लाभ उठा पाएंगे। इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, नौकरी में लाभ देखने को मिलेगा, करियर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बिजनेस व्यापार सही हो सकता है इन सभी लोगों का, मकर राशि वाले जातकों का। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काम आपको नहीं बताया तो उसमें लाभ नहीं होगा, कुल मिलाकर सब जगह आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा मकर राशि वालों। उसके साथ साथ हमारी जो तीसरी राशि है जो कि अच्छा खासा लाभ उठाने वाली है वो है कर्क राशि। जितने भी कर्क राशि वाले जातक हैं, बहुत दिनों से मैं देखा, कल जब ज्योतिष शास्त्र को रिसर्च किया तो कर्क राशि वाले जातक भी मेहनत के ऊपर मेहनत तो कर रहे थे लेकिन इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, ये लोग अपने जीवन में सफलता नहीं पा पा रहे, मेहनत के ऊपर मेहनत कर डाला फिर भी इन लोगों को लाभ ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मित्रों अब जाकर इन लोगों को लाभ देखने को मिला, नौकरी में अच्छा खासा परिवर्तन देखने को मिला, जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको भी अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा, बिजनेस व्यापार सही होगा इन लोगों का। अब मित्रों हमारी जो चौथी राशि है वो है मित्रों मेष राशि। मेष राशि वाले जातक भी बहुत परेशानियों को झेल डाला है और इसीलिए शनि भगवान इनके राशि पर कृपा कर ही दिया। मेष राशि वाले जातक आपके कर्मों का फल अब जाकर मिलेगा, 1 मई से आपके राशि पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मेष राशि वाले जातक जितने भी हैं जो बहुत ही परेशान थे, इनका मेहनत का लेवल बहुत ही बढ़ चुका था लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था, उन लोगों को अब जाकर लाभ मिलने वाला है, नौकरी के क्षेत्र में बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ होने वाला है। उसके साथ साथ हमारी जो सबसे लास्ट वाली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक भी अपने जीवन में बहुत ही मेहनत कर रहे थे, ये लोगों की मदद कर दे रहे थे, वही लोग इनको धोखा दे रहे थे, सिंह राशि वाले जातक बहुत ही सताए जा रहे थे, लेकिन मित्रों आप लोग टेंशन मत लेना, मई के महीने में आपको बहुत भयंकर लाभ होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक।